ये संतुनिया है और लगाया गया था ये पौधा, उसी जगह पे इसे भी लगाया जाएगा। ये पौधे की कीमत काफी ज्यादा होती है, ठीका लिया है यमिनी ने, ये यमिनी है और ये जो काम कर रहे हैं पाकिस्तानी भाई है, छोटे क्रेन के मदद से देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी आज घर का काम चल रहा है। जो बड़े बड़े पौधे थे जिनका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है मेरे चैनल पे, उस पौधे को काट कर गिरा दिया गया और उसके जगह पे कौन सा पौधा लग रहा है कि और वो पौधा कितने में आया और जो ठीका लिया है यमिनी है उसे कितना फायदा हो रहा है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, हमारे चैनल पे नए हो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा पौधा था मेरे घर के सामने ही, ये सब कटिंग करके इसको सुला दिया गया क्योंकि ये बहुत नुकसान करता था पौधा और दीवार बिल्कुल भी नहीं दिखता था। आप लोग ने तो देख ही लिया होगा मेरे वीडियो में। और अभी इसे दन्ने पे लोड करके ले जाएंगे फेंकने के लिए और इसके जगह पे कौन सा पौधा लग रहा है मैं दिखा दूं आप सबको। ये संतुनिया है और ये खजूर इसमें नहीं होता है, खजूर का पौधा नहीं, लेकिन सेम वैसे ही दिखता है। ये संतुनिया पौधा है और इसे लगाया जाएगा अभी यहाँ पे, यानी जिस जगह पे लगाया गया था ये पौधा उसी जगह पे इसे भी लगाया जाएगा। और ये पौधे की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है मुकाबले इस पौधे के। यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक पौधा लगा दिया गया है कुछ इस तरह से, सेम वैसे ही जगह पे, और दूसरा पौधा वहाँ पे लगा रहे हैं तो वो भी आप सबको मैं दिखा दूँ। और यहाँ पे ये नया पौधा भी लग गया, यानी दो पौधे लग चुके हैं तो कम लगेंगे, जितना पौधा लगा हुआ था ये खजूर का पौधा उतना नहीं लगेगा, एक छोड़कर एक लगेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था ऑलरेडी। तो देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तानी भाई है जो कि ये ठीका लिया है यमिनी ने, ये यमिनी है और ये जो काम कर रहे हैं पाकिस्तानी भाई है और इन्हें दिहाड़ी पे लेकर आया गया है इस काम के लिए, तो इनका जो एक दिन का सैलरी बनेगा वही इनको मिलेगा, बाकी का फ़ायदा ये जो यमिनी ठीका लिया है उसे मिलेगा। और देख सकते हैं ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस तरह गड्ढा है जो पौधे को काट के निकाला गया है, उसी गड्ढे में सेम वो लोग डालकर वो पौधा उसके ऊपर से मिट्टी डाल दे रहे हैं और पानी बस ये पकड़ लेगा ऑटोमेटिक, यानी डेली ऑटोमेटिक पानी आता है इस तरह से, यहाँ इस पाइप से पानी आएगा ऑटोमेटिक सुबह 9 बजे, इसी से पकड़ लेगा ये पौधा और एक्स्ट्रा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी खाद वगैरह जो देते हैं उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और इससे इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है यमिनी को, क्योंकि ठीका जिस हिसाब से लिया होगा जाहिर सी बात है फ़ायदा ही मिला होगा। तो इस छोटे क्रेन के मदद से देख सकते हैं इस पौधे को उठाकर लगा रहे हैं लोग। से जब पूछा गया कि ये पौधा कितने का आया और पुराना पौधा काटने का कितना लिया और इन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये लोग बताने से मना कर दिए, इसलिए इस वीडियो में इन्हें कितना फ़ायदा मिलने वाला है इस काम से ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, अंदाज़ा वीडियो के लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगा कि कितना इन्हें मिल सकता है और ये एक पौधे का कीमत कितना मिलता है यहाँ सऊदी अरब में। तो जिस हिसाब से एक छोड़कर एक खाना छोड़कर दूसरे खाने में लग रहा है, उस हिसाब से वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से देख सकते हैं वो लास्ट तक लगेगा, क्योंकि ये पौधे से इनका दीवार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अभी दो पौधा बाकी है उसे भी काटकर निकालेंगे फिर इसको लगाया जाएगा, तो लगने के बाद कैसा दिखेगा ये सब भी आप सबको मैं इसी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि मालूम पड़े आप सबको भी किस तरह इनके घरों का डिजाइन होता है, कैसे लुक चेंज हो जाता है, एक ही दिन में वो सब दिखाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना मेरे भाइयों। को ये बता दूं कि ये पौधा भी कटिंग करके इसमें ही रखा जाएगा, इसमें पूरे पौधे आएंगे कि नहीं पता नहीं, और ये सारे पौधों को भी इसी में रखा जाएगा, फिर इसको कचड़े में फेंक दिया जाएगा। अब जो लोग भाई सऊदी अरब में रहते हैं तो जानते ही हैं, और इतने बड़े बड़े पौधे हैं पता नहीं सारे पौधे आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि पौधे काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए देख सकते हैं यहीं पे 3 और 2, वो तो सबसे बड़ा ऊपर क्योंकि काटा नहीं गया था काफ़ी समय से, तो 5 यहीं पर हो गए, 7-8 इधर है, देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं इसके ऊपर सारे पौधे लोड कर दिए गए हैं इसके अंदर, लेकिन सारे पौधे नहीं आए, अभी भी 3-4 पौधे बाकी है। और यहाँ जो बड़ा बड़ा जो पौधा था यहाँ इन्होंने निकाल दिया और जड़ की खुदाई भी कर रहे हैं, तो इस तरह से चारों तरफ लगा दिया गया इस पौधे को। और यहाँ पे अभी बाकी का काम अभी तो चल रहा है।
इस पौधे को काटने का रीजन यही है कि जैसे देख सकते हैं अभी एकदम साफ दिख रहा है इनका घर, और ये पौधा ज्यादा कचड़ा भी नहीं करेगा, यानी पत्ते वगैरह नहीं गिरेंगे तो ये एकदम पूरी तरह से साफ दिखेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। और इसका पत्ता और इसका मतलब सांस लेने में भी परेशानी होती है, इसके पास में सर्दी जुकाम भी हो जाते हैं, तो कई सारे रीजन है इस पौधे को निकालने के।